बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुप्रचारित नारे और बालिका शिक्षा संबंधी तमाम सरकारी दावों को सिरे से खारिज कर रहा है गुमला के जारी प्रखंड का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। जी हां, शिक्षा क्षेत्र में भारी भरकम राशि खर्च कर सूबे के शैक्षिक मानचित्र में आमूल चूल अंतर के दावों के ठीक उलट गुमला के जारी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बैठने की जगह न होने के कारण छात्राओं को विद्यालय से बाहर कर दिया गया। लिखाई का इच्छा तो है जान सवा मन के फिर का होलक तो आपस कर देलई के मन कह रहे मैडम मान आपस घुरे देलई का कही करू गुलाई अनले जगह निखे कहले यार ये हमें तो स्कूल एडमिशन करवाइए रही लेकिन जगह नखे कह के भेज देलई वापस फिर देलई इकर अखन तो माय बाप करू कर दुखी हुए ही वापस फिर देलन। आप क्या चाहती हैं? पढ़ाना चाहती। विलुप्त प्राय आदिवासी जनजाति की 12 छात्राओं के अलावा कुल 80 आदिवासी छात्राओं को स्कूल में बैठने की जगह न होने के नाम पर स्कूल से बाहर किए जाने की इस घटना ने प्रशासनिक दावे और वायदों की कलई खोल दी है। नहीं मजका में आपस घुरा दिया हमरा बच्ची को, उसके बाद घर में आकर खाली गोरू छेरी बकरी ये सब चराता घुमाता है, लेकिन पढ़ने का तो इच्छा एकदम लड़की बच्चों का भी है ना, मेरा दिल भी पढ़ाने लिखाने का एकदम दिल है, पढ़ू कही करके तो खुदे को होता है यहाँ से निकल लग और कहलो कि मैं एकदम पढ़वे करूँ, जहाँ तक मुझे इच्छा लगी तब तक ले पढ़वे करूँ। निम्न जनजाति का बच्चा जिसको सरकार सोचती है उसकी रक्षा सुरक्षा और बच्चों को बचाएं हम, चूंकि उनका आबादी दिनों दिन घटती जा रही है, वैसा बच्चा कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय में पढ़ने जाता है और उस बच्चा को जगह नहीं है, कहा के घर वापस भेज देना ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। छात्राओं का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हाल ही में नामांकन हुआ था। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में उन बच्चियों के सोने के जगह न होने की बात कहकर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। छात्राओं ने पढ़कर जीवन में कुछ हासिल करने के जो मंसूबे पाल रखे थे उस पर फिलहाल पानी फिर गया है। अब यह छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो वापस तो भेजा नहीं गया है, लेकिन उनसे कुछ समय मांगा गया था कि अगर रहने का आवास व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग आप लोग को बुला लिया जाएगा, परंतु लेटर बढ़ाने के बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई विकल्प या कोई नहीं किया गया, उसका समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण कुछ लोग आए थे 2-3 दिन पहले पीटीजी का अध्यक्ष और वो लोग मेरे पर कुछ दबाव बनाए, फिर मैं उनको बताई कि ये परेशानी है जगह नहीं के कारण, हमारा जो विद्यालय संचालित है वह 100 शैया के क्षमता वाली भवन के है, ये हमारा कस्तूरबा का विद्यालय नहीं है, यह आदिवासी कल्याण विभाग का ये है आवास है चाहे हॉस्टल है, इसमें क्लास का कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग जो रेसिडेंस है उसी में क्लास करते हैं जो बहुत छोटा रूम है। डीसी शशि रंजन का मानना है कि आवासीय विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु जगह कम होने के कारण जारी प्रखंड में चल रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप संसाधन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। कस्तूरबा विद्यालय उसमें जारी प्रखंड के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं और डुमरी में जो हॉस्टल है थोड़ा स्पेस कम है और जिसके कारण जो क्षमता के अनुरूप उसमें एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, और डुमरी में एक जो निर्माणाधीन हॉस्टल है उसको भी हम लोग जिला स्तर पर भी उसको पूरा करने की कार्रवाई कर रहे हैं और होपफुली अगले 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, और चूंकि आवासीय विद्यालय है और इसमें एक अच्छी और समुचित व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए रहती है और जगह नहीं रहने के कारण थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी इसको हम लोग ख्याल रख रहे हैं। इधर स्कूल की अव्यवस्था का दंश झेल रहे बच्चियां लकड़ी चुन रही हैं, भैंस चरा रही हैं। इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। इन सबसे अलग सब पढ़े का सरकारी नारा यहाँ पर खुद ही हांफता नजर आ रहा है।
न्यूज कोर्ट के लिए गुमला से रणधीर की रिपोर्ट।